जय हिंद दोस्तों, आइए आज के करंट अफेयर को हम पढ़ते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा वुमेन्स एशिया कप 2022। तो आइए सबसे पहले इसकी बात कर लेते हैं। तो वुमेन्स एशिया कप 2022 का एक कौन सा संस्करण था? तो याद रखिएगा, आठवां संस्करण था। और आठ संस्करण में से 7 बार कौन जीत चुका है? भारत। और एक बार कौन जीता है अगर पूछ ले तो याद रखिएगा, बांग्लादेश एक बार जीता है। बांग्लादेश जब जीता था वो कौन सा संस्करण था? तो याद रखिएगा, 7वां संस्करण था। कब हुआ था? 2018 में हुआ था। कहाँ हुआ था ये भी पूछ ले तो बता दीजिएगा, मलेशिया में 2018 वाला हुआ था। बात समझ में आ गया। 7 बार लगातार भारत जीता है, 8 बार। पहली बार कब हुआ था अगर आपसे ये भी पूछ ले तो पहली बार 2004 में हुआ था। मात्र 2 टीम थी, कौन कौन पूछ ले तो बताइएगा, भारत और श्रीलंका। मात्र 2 टीम थी, इसमें से भारत क्या हुआ था? विजयी हो गया था। ये बातें आपको क्या करनी है, याद रखनी है। आइए हम 8वें संस्करण की बात करते हैं। तो 8वां संस्करण कहाँ पे हुआ है? मेजबान देश कौन था? तो बांग्लादेश था। और बांग्लादेश के किस स्टेडियम में मैच हुआ? तो याद रखिएगा, सिलहट इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम। सिलहट इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में सभी के सभी मैच क्या हुए, खेले गए थे। ये बातें आपको क्या करनी है, याद रखनी है। आइए आगे बढ़ते हैं। इस मैच की बात करें तो सबसे पहले ये फाइनल मैच किसके किसके बीच हुआ है? तो भारत वर्सेस श्रीलंका के बीच हुआ है, जिसमें श्रीलंका ने क्या किया, श्रीलंका हार गया और भारत क्या हुआ है, विजय हुआ है। इसमें प्लेयर ऑफ द मैच टूर्नामेंट कौन मिला है? तो प्लेयर ऑफ द सीरीज या प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट कहा जाता है। प्लेयर ऑफ द सीरीज किसे मिला, POSM 60 में लिख लेते हैं, तो ये मिला है दीप्ति शर्मा को। किसको? दीप्ति शर्मा को। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें रही हैं। कितनी टीमें इसमें भाग ली हैं? तो याद रखिएगा, टोटल 7 टीमें इसमें क्या की हैं, भाग ली हैं। कौन कौन पूछ ले तो भारत है, पाकिस्तान है, और फिर बांग्लादेश है, बांग्लादेश, और फिर अपना ये बगल में पड़ोसी श्रीलंका भी है, और फिर थाईलैंड भी है, और फिर एक देश UAE है, और अपना एक और है जिसका नाम मलेशिया है। तो ये 7 देश इसमें क्या किए हैं, भाग लिए इस बार। अगर आपसे पूछे इस बार का जो मैच हुआ था किस फॉर्मेट में हुआ, T20 फॉर्मेट में। पहले किस में होता था, 50 ओवर का, लेकिन याद रखिएगा 2012 से कब क्या होने लगा, T20 फॉर्मेट में ये मैच खेले जाने लगा। बात समझ में आ गया। आइए क्रिकेट से संबंधित कुछ और करंट अफेयर की चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहले अगर आपसे बात करें, अभी हाल ही में एक मैच हुआ था जिसका नाम है ईरानी ट्रॉफी, ये भी किससे संबंधित है तो आप बता दीजिएगा, आपके क्रिकेट से। ईरानी ट्रॉफी को किसने जीता अगर आपसे पूछ ले तो शेष भारत ने जीता है। शेष भारत ने जीता, इसे भारत बी कहा जाता है। शेष भारत ने जीता है, किसको हरा करके? तो बताइएगा, सौराष्ट्र को हरा करके जीता है। आइए दूसरे ट्रॉफी की बात करें, रणजी ट्रॉफी भी अभी हाल ही में संपन्न हुआ है। कौन जीता है? मध्य प्रदेश ने जीता है। किसे हरा करके? मुंबई को हरा करके। और बात करें दलीप ट्रॉफी कौन जीता है अगर आपसे पूछ ले तो याद रखिएगा, ये वेस्ट जोन जीता है। किसको हरा करके जीता है पूछ ले तो साउथ जोन को हरा करके ये मैच जीता है। बात समझ में आ गया। अभी हाल ही में आपको पता होगा कॉमनवेल्थ गेम हुआ था, कॉमनवेल्थ गेम हुआ था, इसमें भी क्रिकेट को शामिल किया गया था, महिला केवल क्रिकेट को शामिल किया गया था। इसमें विजेता कौन रहा, ऑस्ट्रेलिया गोल्ड मेडल, और भारत क्या पाया था, सिल्वर मेडल पाया था। बात समझ में आया। तो ये रहा हमारा आज का पहला क्वेश्चन। आइए हम आज के और एक पॉइंट और, हाँ, कैप्टन कौन थी इसमें भारत की तरफ से, 8वें वाले संस्करण में? तो याद रखिएगा, हरमनप्रीत कौर भारतीय कैप्टन थी। तो ये रहा आज का हमारा पहला क्वेश्चन। आइए हम दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, परम कामरूप सुपर कंप्यूटर की बात कर लेते हैं। ये कहाँ पे स्थापित किया गया है? तो याद रखिएगा, ये स्थापित किया गया अभी हाल ही में आपके कौन क्या नाम है, अभी हाल ही में जो बनी है आपके नाम याद रखिएगा,
द्रौपदी मुर्मू के द्वारा स्थापित किया गया, कहाँ पे? तो याद रखिएगा आईआईटी गुवाहाटी में स्थापित किया गया है। आईआईटी गुवाहाटी में इसे क्या किया गया स्थापित, किसके द्वारा? द्रौपदी मुर्मू के द्वारा। द्रौपदी मुर्मू जो है भारत की पहली आदिवासी क्या बनी है? राष्ट्रपति बनी है, याद रखिएगा। कहाँ की हैं तो ये आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, किस जनजात की हैं ये भी कमेंट बॉक्स में बताइए, क्योंकि आपको हम पीछे करंट अफेयर में पढ़ा चुके हैं। आईआईटी गुवाहाटी द्रौपदी मुर्मू ने इसका उद्घाटन किया है। तो अगर आपसे बात करें आईआईटी गुवाहाटी के बारे में कुछ और चीजें, आइए कुछ और आईआईटी, अगर सुपर कंप्यूटर की बात आई है तो अगर पूछे टॉप 500 सुपर कंप्यूटर में कौन सबसे एक नंबर पर है, तो याद रखिएगा फ्रंटियर जो सुपर कंप्यूटर है, फ्रंटियर ये सबसे एक नंबर पे है। किस देश का है? अमेरिका का सुपर कंप्यूटर है ये, जो फुगाकू को पीछे छोड़ दिया, तो फुगाकू कहाँ चला गया? दूसरे नंबर पे। ये किसका सुपर कंप्यूटर है? जापान का सुपर कंप्यूटर है। अगर पूछे भारत का कोई सुपर कंप्यूटर टॉप 500 में शामिल है, तो कहिएगा हाँ, एक सुपर कंप्यूटर आपको पता होना चाहिए, परम सिद्धि, परम सिद्धि एआई, परम सिद्धि एआई जो सुपर कंप्यूटर है ये भारत का आपका सुपर कंप्यूटर है, जो 111 नंबर पर शामिल है। बात समझ में आ गया। आइए कुछ और बात कर लेते हैं आईआईटीज की। तो अभी हाल ही में आईआईटी मद्रास की बात करें तो आईआईटी मद्रास ने क्या क्या किया है, क्या क्या बातें उन्होंने किया है, इनकी चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहली बात याद रखिएगा, अभी इन्होंने क्या किया है, सेफ्टी टैंक को साफ करने के लिए, सेफ्टी टैंक को साफ करने के लिए क्या बनाया? रोबोट का निर्माण किया है। तो पूछ लिया जाएगा कौन सी आईआईटी ने सेफ्टी टैंक को साफ करने के लिए रोबोट का आविष्कार किया, तो क्या बताएंगे आपका, याद रखिएगा इन्होंने, आईआईटी मद्रास ने। आईआईटी मद्रास में एक बातें और हुई है, नीले कड़ी, याद रखिएगा नीले कड़ी, नीले कड़ी केंद्र का क्या किया है उद्घाटन, नीले कड़ी, नीले कड़ी केंद्र का क्या किया है उद्घाटन किया है। ये नीले कड़ी केंद्र क्या करेगा, जो वहाँ की राजभाषा है, जो वहाँ की भाषा है, उसको क्या करना, जागरूक करना, उसे आगे बढ़ाना। और ये कुछ और बातें कर लेते हैं आईआईटी कानपुर की। तो जो आईआईटी कानपुर है इसके बारे में ये पॉइंट याद रखिएगा, जो रोबोट अंतरिक्ष में जा रहा है उस रोबोट के लिए क्या करेगा, कृत्रिम तरीके से क्या, कृत्रिम मांसपेशियां तैयार करेगा। जो रोबोट अंतरिक्ष में जा रहा है याद रखिएगा उसके लिए क्या तैयार करेगा, ये कृत्रिम मांसपेशियां तैयार कर रहा है, ये पॉइंट आपके लिए क्या है, इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो ये रहा आज का हमारा दूसरा क्वेश्चन, आइए हम तीसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन हमारा है डेफ एक्सपो 2022 का आयोजन कहाँ पर हुआ है। तो सबसे पहले बात करेंगे डेफ एक्सपो 2022 ये कौन सा संस्करण है, ब्रह्मा संस्करण है, कहां पे होगा, तो याद रखिएगा गांधीनगर, और गांधीनगर कहां पे है, गुजरात में है, ये पॉइंट आपको याद रखनी है। और बात करते हैं लगे हाथ गुजरात की, तो गुजरात की बात करें, गुजरात की बात करें तो सबसे पहला पॉइंट, यहाँ पे एक गांव है मेढेरो गांव, जो मेढेरो गांव है ये 24x7 माने 24 घंटे और 7 दिन लगातार यहाँ पे क्या होगा, सौर संचालित गांव बन गया। क्या बन गया? सौर संचालित गांव बन गया, पहला गांव ऐसा सौर संचालित गांव बना है, ये पॉइंट याद रखिएगा। और यहीं गुजरात में है इफको जो है, इफको क्या करेगा, गुजरात में जो इफको है ये क्या करेगा, इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपके लिए बन जाएगा, नैनो यूरिया का छिड़काव योजना शुरू किया है, नैनो यूरिया छिड़काव योजना शुरू किया है। छिड़काव योजना किसने शुरू किया है, तो इफको ने शुरू किया, कहाँ पे, गुजरात में। और यूरिया जो है प्रयोगशाला में बनने वाला पहला कार्बनिक यौगिक है, NH2CO, इसका आपका रासायनिक सूत्र है, प्रयोगशाला में बनने वाला पहला कार्बनिक यौगिक, याद रखना है आपको। आइए और बात कर लेते हैं यहीं पे, तो अभी यहीं पे गुजरात में ही क्या होगा,
कानून मंत्री जितने भी हैं, कानून मंत्रियों का, याद रखिएगा, कानून मंत्रियों का अखिल भारतीय सम्मेलन भी होगा, अखिल भारतीय सम्मेलन भी यहीं पे होगा गुजरात में ही। भारत का, विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम भी कहाँ पे है, गुजरात में है, ये भी आपको क्या करना है, याद रखना है। आइए आज हम बढ़ते हैं अपने अगले तीसरे क्वेश्चन की ओर, चौथे क्वेश्चन की ओर, जिसका नाम है लिविंग रूट ब्रिज चर्चा में है। तो लिविंग रूट ब्रिज चर्चा में क्यों है, तो अभी हाल ही में इसे यूनेस्को ने क्या किया है, यूनेस्को ने, याद रखिएगा, विश्व धरोहर सूची में क्या किया है, शामिल किया है। विश्व धरोहर सूची में यूनेस्को ने इसे क्या कर लिया है, शामिल कर लिया है, लिविंग रूट ब्रिज। बात समझ में आ गया, लिविंग रूट ब्रिज से नाम से पता चल रहा है कि ये जो पेड़ों की जड़ें होती हैं, या उसकी जो, आप लोग देसी भाषा में समझा यार, कि जो ये बवरिया होला वही से बना है ये ब्रिजिया, समझ में आए लोग। तो याद रखिएगा, यूनेस्को ने विश्व धरोहर सूची में इसे क्या कर लिया है, शामिल कर लिया है। ये कहाँ पे है पूछ ले तो याद रखिएगा, मेघालय में पाया जाता है, मेघालय में है। मेघालय की राजधानी क्या है, याद रखना है, शिलांग मेघालय की क्या है, राजधानी है। यहीं पर आपका एक स्थान है चेरापुंजी मांसीराम, जहां पे सबसे ज्यादा बरसात होती है। अगर आपसे पूछे, यहीं पर गारो खासी जयंतिया पहाड़ी है जो कीप आकार की है, जो वर्षा जो मानसून बादलों को रोक लेती है और वहीं पर क्या करती है, वर्षा कराती है। बात समझ में आ गया, आइए और आगे बढ़ते हैं। जैसे अभी हाल ही में मेघालय में और क्या हुआ है, तो याद रखिएगा, यहीं पे कयाक महोत्सव पूछ लिया जाएगा। कयाक महोत्सव 2022 का आयोजन कहाँ किया गया, तो आपके मेघालय में ही किया गया है। और यहीं पे मेघालय में ही बांस में रहने वाली नई प्रजाति का क्या खोजा गया है, चमगादड़ खोजा गया है। गारो जयंतिया, जिगारो खासी जयंतिया, मिकिर, ये जनजाति भी हैं, पहाड़ी भी है। ये कहाँ पाई जाती हैं, तो बताइएगा, मेघालय में पाई जाती है। इन्हीं की वजह से यहाँ पे क्या होती है, बरसात होती है। आइए अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 चर्चा में है। तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 में भारत का रैंक बहुत खराब होता चला है। आइए हम टोटल चर्चा कर लेते हैं ग्लोबल हंगर इंडेक्स की। तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत वर्तमान में कितने नंबर पे है, 107 नंबर पर है। कितने देशों में, 121 देशों में, याद रखिएगा। पिछले साल 2021 में पहले क्या था, भारत का रैंक अच्छा था, 101 नंबर पर था। कितने देशों में था, 116 देशों में था। भारत अपना रैंक 6 रैंक गिराया और ख़राब हालत में पहुंच चुका है। भारत की हालत बहुत गंभीर हालत में है। अगर जिसका रैंक जीरो, जिसका आपका क्या, जिसका सूचकांक, जिसकी वैल्यू, जिसके क्रमांक जीरो हैं, जिसके अंक जीरो हैं, वो बेस्ट देश माना जाता है, वहाँ भुखमरी बिल्कुल नहीं है। जिसके 100 हैं वो अत्यंत गंभीर है, भारत गंभीर हालत में है, ना कि अत्यंत गंभीर, लेकिन ये चिंता का विषय भारत के लिए बना हुआ है। इससे अच्छा के एक पॉइंट और विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है, 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है। ये पॉइंट आपके दिमाग में होनी चाहिए। और भारत की हालत तो खराब है, इससे अच्छी हालत अपने बगल में स्थित नापाक देश पाकिस्तान का है, याद रखिएगा, इससे अच्छी स्थिति में भी है। और भी, जैसे पाकिस्तान का रैंक कितना है पूछ ले, तो याद रखिएगा 99 है। इससे अच्छा श्रीलंका का भी है, श्रीलंका का कितना है, 64 है। इससे अच्छा बांग्लादेश का भी है, इससे अच्छा भूटान का भी है, लेकिन भारत की हालत खराब हो चुकी है। अफगानिस्तान भारत से बेकार अवस्था में है, 109 नंबर पर है। अफगानिस्तान का भी पूछ ले तो 109 नंबर पर है, वो खराब हालत में भारत से भी है। लेकिन याद रखिएगा, हम अफगानिस्तान से अपनी तुलना नहीं कर सकते, हम अपनी तुलना अमेरिका जैसे देशों से करने पे तुले हैं, और बिल्कुल करना भी चाहिए क्योंकि हम उस लायक हैं भी। आइए और आगे बात कर लेते हैं ये रैंक के बारे में। ये रैंक कैसा, कौन किस आधार पर जारी होता है,
कितने आधार इसमें चाहिए। तो आइए बात करें, तो सबसे पहले याद रखना इसमें चार आधार होते हैं। कितने आधार पूछ ले, तो चार आधार इसमें चाहिए। आधार कौन कौन सा होता है, तो पहला होता है कुपोषण। जहाँ पे जितना ज़्यादा कुपोषित बच्चे होंगे, कुपोषण होगा, वो हाल देश अच्छी स्थिति में नहीं माना जाता। अगला है चाइल्ड स्टंटिंग। चाइल्ड स्टंटिंग याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है, चाइल्ड स्टंटिंग हो जाएगा। तीसरा बात करते हैं, चाइल्ड वेस्टिंग हो जाएगा, चाइल्ड वेस्टिंग हो जाएगा। और चौथा जो पॉइंट आपको याद रखना है, बाल मृत्यु दर। बाल मृत्यु दर, ये चार पॉइंट के आधार पर इसकी रैंकिंग क्या होती है, गणना होती है। जारी कौन करता है पूछ लिया जाए, तो याद रखिएगा कंसर्न वर्ल्ड वाइड, कंसर्न वर्ल्ड वाइड। और एक संस्था और है, वेल्थ हेल्थ लाइफ, वेल्थ हेल्थ लाइफ, ये लोग मिलकर के इसे क्या करते हैं, जारी करते हैं। बात समझ में आ गई है। याद रखिएगा पहले पे कौन आया है, तो 17 देश लोग मिलकर के पहले पे आए हैं। जैसे अगर आपसे बात करें, बेलारूस हो जाए, बेलारूस, हंगरी हो गई, उसके बाद तुर्की हो गई जिसे एशिया यूरोप का मरीज कहते हैं, कुवैत हो गया, ये सभी देश 17 देश हैं पहले रैंक पे शामिल हो गए हैं। ये बातें आपको याद रखनी है। और भी अभी हाल ही में कुछ और आपके इंडेक्स जारी हुए हैं। जैसे बात कर लिया जाए कि ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, इनोवेशन इंडेक्स की बात करें, तो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स कब जारी, किसने, अब इसमें रैंक क्या है भारत की, तो भारत इसमें किस नंबर पे है, 40 पे। पहले पे पूछ ले कौन है, स्विट्जरलैंड पहले पे है। दूसरा एक रैंक और बात कर लेते हैं, मानव विकास सूचकांक की बात करें, तो मानव विकास सूचकांक की बात करें तो इसमें कौन पहले पे है, तो यही स्विट्जरलैंड ही पहले पे है। और भारत इसमें किस नंबर पर है, 132 नंबर पर है। ये पॉइंट आपको याद रखनी है। आइए हम अगले बुलेटिन की ओर बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम पढ़ेंगे, नोबेल पुरस्कार 2022, नोबेल पुरस्कार 2022 की चर्चा करेंगे। याद रखना ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में यहां से क्वेश्चन बनने की प्रबल संभावना है। अगर आपसे 2022 के नोबेल पुरस्कार की बात करें, नोबेल पुरस्कार का इतिहास पिछले वीडियो में आपको हम पढ़ा चुके हैं, पूरा का पूरा इतिहास है, कब कैसे शुरू हुआ, किसने दो बार पाया, किसने तीन बार पाया, सारा सिस्टम पढ़ा चुके हैं। लेकिन थोड़ा सा इतिहास की चर्चा कर देते हैं। शुरुआत कब हुई थी, 1901 में अल्फ्रेड नोबेल थे जिन्होंने डायनामाइट का आविष्कार किया था। जब ये डायनामाइट का आविष्कार किए तो इनको ये पता नहीं था कि हम क्या आविष्कार कर रहे हैं, लेकिन जब डायनामाइट बन गया तो इन्होंने कहा कि लगता है हम दुनिया या देश को समाप्त करने की योजना बना दिए। इसलिए उन्होंने कहा कि जितनी हमारी संपत्ति है उस संपत्ति का जो ब्याज होगा उसको लोगों के अवार्ड में बांट देना, जिससे हमारी आत्मा को कुछ संतुष्टि मिल सके। ऐसी बातें इन्होंने अपनी किताबों में लिखी है। आइए आगे बात करते हैं, कितने क्षेत्र में दिया जाता है, तो डायनामाइट की खोज किसने किया है पूछ लिया जाए, तो बताइएगा अल्फ्रेड नोबेल ने। और बात करें कितने क्षेत्र में दिया जाता है, तो ये 6 क्षेत्र में, एक तो चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है, भौतिक के क्षेत्र में दिया जाता है, रसायन के क्षेत्र में दिया जाता है, शांति के क्षेत्र में दिया जाता है, साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, और एक पॉइंट आपको याद रखना है, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में दिया जाता है। इसकी शुरुआत कब हुई, घोषणा कब हुई थी, 1968 में, दिया कब जाने लगा, 1969 से, ये क्वेश्चन पूछा जाता है बार बार एग्जामों में। तो ये 6 क्षेत्र आपको क्या करना है, याद रखना है। पूछा जाता है किस क्षेत्र में नहीं दिया जाता, ऑप्शन यही मिलता है, चिकित्सा, भौतिकी, रसायन, गणित के क्षेत्र में नहीं दिया जाता। तो अगर आपसे बात करें शांति के क्षेत्र में किसको मिला है, तो याद रखिएगा शांति के क्षेत्र में इस बार 2 संस्था को मिला है, एक का नाम है मेमोरियल और एक संस्था का नाम याद रखना है सेंटर फॉर, लिख देते हैं सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज, ये याद रखिएगा, ये संस्था को मिला है और एक व्यक्तिगत आदमी को मिला है जिनका नाम है एक्स विलायस्की,
विलासत्की है, याद रखिएगा इनको मिला है, विलासत्की को मिला है, ये पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाती है। तो मेमोरियल ये संस्था है, कहाँ की संस्था है, रूस की संस्था है, ये कहाँ की संस्था है, यूक्रेन की संस्था है। आपको पता होगा 2020, 2021 और 22 पूरा युद्ध से बीता है रूस और यूक्रेन का। रूस छोटा देश है तो छोटा वाला, यूक्रेन बड़ा है, सॉरी रूस छोटा दो अक्षर का है तो छोटा वाला, यूक्रेन बड़े अक्षर में है, तो ये तीनों चारों अक्षर वाले याद रखना थोड़ा बहुत ट्रिक जरूरी होती है। एक्स विलास्त की जो है ये व्यक्तिगत श्रेणी में इनको मिला है। क्यों मिला है इन तीनों को, तो याद रखिएगा शांति एवं लोकतंत्र की स्थापना के लिए, शांति एवं लोकतंत्र की स्थापना के लिए, लोकतंत्र की स्थापना के लिए ये पॉइंट आपको जरूरी याद रखना है। तो ये रहा हमारा शांति के क्षेत्र में नोबेल पाने वाले। आइए आगे बात कर लेते हैं रसायन के क्षेत्र में नोबेल पाने वाले कौन कौन हैं। तो रसायन के क्षेत्र में कौन कौन नोबेल पाए हैं, रसायन के क्षेत्र में कौन कौन पाए हैं, तो तीन लोग पाए हैं। एक का नाम आपको याद रखना है कोरोलिन, देखिएगा कोरोलिन भी एक प्रकार की दवा है, आपका क्या नाम होगा ब्रोटिनी, याद रखिएगा। दूसरा ब्रोटिजी है, सॉरी ब्रोटिजी अंग्रेजी में, मोर्टन मेडल, मोर्टन मेंडल है, याद रखिएगा मेंडल, मोर्टल मेंडल, याद रखना ये पॉइंट। तीसरा हो जाएंगे वेरी सरप्लस हैं। ये तीन लोग पाए हैं किस क्षेत्र में, रसायन के क्षेत्र में। अगर आपसे ये पूछ ले वेरी सरप्लस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 सरप्लस, वेरी इंपॉर्टेंट कहाँ है, सेकंड बार इनको इस क्षेत्र में, रसायन के क्षेत्र में नोबेल मिला था, इसके पहले इनको 2001 में भी मिल चुका है। बात समझ में आ चुकी होगी। और क्यों मिला है, तो याद रखिएगा इन्होंने क्या किया है, क्लिक केमिस्ट्री और एक पॉइंट और बायोगोनल, याद रखिएगा बायो आर्गोनल केमिस्ट्री में इन्होंने क्या किया है, अपना योगदान दिया है। क्लिक केमिस्ट्री और बायो आर्गोनल केमिस्ट्री में इन्होंने अपना क्या दिया है, विशेष योगदान के कारण इन तीनों लोगों को क्या मिला है, अवार्ड मिला है। आइए आगे बात कर लेते हैं रसायन के बाद अगले पॉइंट की ओर चर्चा करेंगे। तो अर्थशास्त्र के क्षेत्र में किन्हें किन्हें मिल चुका है, अर्थशास्त्र जो 1969 में पहली बार दिया गया था, तो अर्थशास्त्र में तीन लोग को मिला है। पहला नाम है फिलिप, रुपया गिना जाता है तो फिलिप करके, फिलिप याद रखिएगा डाय बबिग इनको मिला है। दूसरा याद रखिएगा डगलस डब्लू डायमंड ठीक है, याद रखिएगा। तीसरा है बनरान के ये तीन लोग को मिला है, याद रखिएगा इंपॉर्टेंट नाम हो जाएगा। किसके लिए मिला है, जब आर्थिक मंदी अगर चले तो बैंक किस प्रकार से काम करे, आर्थिक मंदी में बैंक को कैसे काम करना चाहिए, इसके लिए इनको इस क्षेत्र में अवार्ड मिल चुका है। साहित्य के क्षेत्र में किसको मिला है, तो साहित्य के क्षेत्र मिला है एनी अर्नक्स को मिला है, ये लाइन आपको ए याद रखना है। आसान भाषा में गंभीर मुद्दों को समझाने और लिखने के लिए इनको ए अवार्ड मिला है। आइए और बात कर लेते हैं चिकित्सा के क्षेत्र में भी महज एक लोगों को मिला है, याद रखिए कौन है, स्वांते पाबो को मिला है, ये लाइन इंपॉर्टेंट होगा। किसके लिए, क्रमिक विकास पर खोज के लिए इनको मिला, माने एक प्रकार का अनुवांशिक लक्षणों के विकास के लिए इनको ए अवार्ड मिल चुका है। आइए भौतिक लास्ट बचा है, इनको भी निपटा देते हैं लगे हाथ। तो किसको मिला है, याद रखिएगा एलन एस्पेक्ट को मिला है। दूसरा नाम आपको बता दे तो एटान जी लिंगर को मिला है। और तीसरा नाम आपको याद रखना है जान क्लाजर को मिला है। ये तीन नाम याद रखिएगा। किसके लिए,
क्वांटम मैकेनिक्स की क्या किए थे, खोज किए थे, क्वांटम मैकेनिक्स की खोज के लिए इनको ये नोबेल पुरस्कार भौतिकी में मिला है। वीडियो पसंद आई होगी, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों।